वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है जीके का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस हम आज कवर करेंगे इस वीडियोस में, राइट। और यदि इंपॉर्टेंट की बात करें कि कौन से एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है एसएससी एमटीएस का, राइट, उसके लिए यहाँ पर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके लिए भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, राइट। सो फ्रेंड्स, वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे क्वेश्चंस मिलता रहे। ओके, सो फ्रेंड्स, आज का जो पहला क्वेश्चंस है वो यहाँ पे है। ओके, सो यहाँ पे है हड़प्पा सभ्यता का खोज जो है किसने की थी। सो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वह शासक जिसने जो है एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा, यहाँ पे मिसटाइप हो गया, उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, कौन था। सो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, ठीक है, तो किसके बीच हुआ था। सो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बंगाल को जो है यहाँ पे मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र यहाँ पे किया। सो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर जो है ए, मुर्शिद कुली खां। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विधवा पुनर्विवाह जो है कानून कब बना। सो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, 1856 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अंग्रेजों ने फूट डालो और यहाँ पे जो है एक मिनट। ओके, सो क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति जो है कब अपनाई। सो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है फ्रेंड्स वो है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। सो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर जो है बी, 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे। आर्य जो है वो भारत में कहाँ से आए थे, राइट। इसको क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आर्य जो है वो भारत में कहाँ से आए थे, सो आए थे केंद्रीय एशिया से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है फ्रेंड्स वो है, किस अवधि में जो है रामायण एवं महाभारत की रचना हुई। सो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्य अवधि। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। सो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पानीपत की जो है दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई। सो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, वैगम खान और हेमू, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। सो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मस्तानी किस शासक की जो है प्रेसी थी। सो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर जो है ए, वाजीराव पेशवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बिहार प्रदेश को, ओके, बिहार प्रदेश को मुस्लिम शासक ने जो है सर्वप्रथम जीता। सो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, खिजली। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता। सो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खिजली। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए। सो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर जो है डी, सूरत, ठीक है, सूरत शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड फ्रेंड्स, यदि कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, हम उसको जो है अच्छे से आपको समझाएंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है, पहली सहायक संधि कौन सी थी। सो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर जो है बी, निजाम। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे है, कर्नाटक संगीत का जो है पितामह किसे कहा जाता है। सो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर दास। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है,
किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया? सो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर जो है डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? सो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। सो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, सिंह। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कुचिपुड़ी नृत्य जो है कहाँ आरंभ हुआ था? सो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, चित्रकला की जो है गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? सो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, महायान संप्रदाय। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? सो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वास्तुकार कौन था, सो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद ईसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो यहाँ पे है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? सो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ए, कल्कि। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया था? सो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? सो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है किस समाज की स्थापना की? सो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसने जो है इबादत खाना बनवाया? सो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? सो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, टीपू सुल्तान जो है कहाँ का शासक था? सो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड फ्रेंड्स, कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मैंसन कीजिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? सो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, महमूद बिन कासिम। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, सो इसका करेक्ट, प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है स्थापित किया गया था, सो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? सो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? सो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान महमूद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना जो है स्मारक है? सो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी।